हेलो हीरोज। तो सभी हीरोज का, सभी बच्चों का मेल आ रहा था, मैसेज आ रहा था, सर एमएटी के फिजिक्स के लिए कैसे पढ़े। आज आप लोग का मॉक टेस्ट हुआ, तो मॉक टेस्ट में इंग्लिश का सेक्शन तो आसान था, मैंने भी एनालिसिस की, लेकिन जो फिजिक्स का सेक्शन था वो कहीं से आसान नहीं था, है ना। तो फिजिक्स कैसे पढ़ें, क्या करें, इस पूरे सफर में मैं आपका साथ निभाऊंगा, मिल के तैयारी करेंगे, जम के करेंगे। इस वीडियो में मैंने क्लास 11th फिजिक्स की सभी चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट ध्यान देना, सभी फॉर्मूले नहीं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं या जिनको कन्वर्ट करके आप दूसरा फॉर्मूला अपने यूज का बना सकते हो, मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो पसंद आए तो लाइक करते जाना। तो चलो फॉर्मूले के साथ शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और आप राइट डाउन करते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना या राइट डाउन करते जाना, ताकि रिवीजन करने में आसानी है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट एंड मेजरमेंट या फिजिकल वर्ल्ड जिसको बोले, उनमें ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि आप रिवीजन करने बैठे हो फॉर्मूलों का, आपने चैप्टर पहले से कर लिया है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है मैंने। इम्पॉर्टेंट फार्मूले ये हैं, इनको कन्वर्ट करके दूसरा फार्मूला आप बना सकते हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। काइनेमेटिक्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसके जो फार्मूले हैं उससे कन्वर्ट करके आप बना सकते हो। बाकी साइन का कैसे यूज करना है उसको ध्यान में रखना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको क्वेश्चन दो मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप एमईटी का एग्ज़ाम दो या कोई भी एग्ज़ाम दो। लॉज ऑफ मोशन में लेविस थ्योरम को थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। लीनियर मोमेंटम से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, इम्पल्स इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सेंट्रिफ्यूगल फोर्स से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। ग्रेविटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर भी चल रही हैं, इनको नोट डाउन करते जाओ। इनके अलावा जो भी चीज़ें आने वाली हैं सभी इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो में, हर एग्जाम में आपको काम आएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स या जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप, इनर्जी ऑफ, और उसके बाद जो आपको एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी से हर बार एक क्वेश्चन देखने मिलता है बच्चों, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, थ्योरी के 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं, एक आध न्यूमेरिकल आती है। तो थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट जाके आपके लिए बनता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके लिए लेके आता है थर्मोडायनेमिक्स। बात करें ऑप्टिक्स की, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आपको नहीं भी देखने को मिल सकते हैं, और देखने को मिलेंगे भी तो 1 क्वेश्चन मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल बेसिस ही क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, बाकी ऑप्टिक्स में इतना कुछ होता नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फार्मूलाज जो भी मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, फिगर के साथ कर दिया है, नोट्स बना के मैंने रखे थे आपके लिए, कन्वर्ट किया है पीडीएफ में। मुझे लगा कि ऐसे समझने में कई बच्चों को ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैंने आपके लिए इस फॉर्म में मेंशन किया यहाँ पे। उसके बाद स्ट्रेस एंड वर्सेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इससे 1-2 क्वेश्चन की उम्मीद आप रखना ही रखना, क्वेश्चन इससे एक आना ही आना है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसका ध्यान आप रखिएगा। तो काफ़ी कुछ पढ़ने को है फिजिक्स में, बाकी बेसिक पे आप ध्यान दें। बेसिक जो चीज़ें हमने की हैं, बेसिक पे आप ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फॉर्मूलों का रिवीजन जल्दी जल्दी करते जाना। वेव और ऑसिलेशन में इतने ही फॉर्मूले और इतने ही से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको क्या पलट के कब लगाना है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में कंफ्यूजन काफ़ी रहती है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना, फॉर्मूला का सही यूज करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपके फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा तो निकल के नहीं आते, लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 1-2 क्वेश्चन की उम्मीद रख सकते हो। 2 क्वेश्चन भी नहीं मैं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 1 क्वेश्चन, या हो सकता है इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन भी आपको देखने को नहीं मिलता है। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन नहीं को देखने मिलता है, अगर मिलेगा भी आपको तो हो सकता है कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिले। बाकी ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, जो भी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखते जाना, नोट डाउन करते जाओ। ऐसे देखने का कोई मतलब नहीं है, जो बच्चे ऐसे देख रहे हैं ईयरफोन लगा के, फ़ोन हाथ में पकड़ के, तो टाइम वेस्ट नहीं करो, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जम के लग जाओ। और लिखते जाओगे तो साथ साथ तो उससे आपको ये फ़ायदा होता है ना कि चीज़ें याद होती चली जाती हैं। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती ही मिलती है, और काफ़ी अच्छे से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछा करो, मैसेज किया करो, कमेंट किया करो।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट से ये क्वेश्चन तो देखने को मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है। आप एमईटी की बात करो या किसी भी एग्जाम की बात करो, नीट में देखने को मिल जाता है, आपको मेंस में देखने को मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या इम्पोर्टेंट फॉर्मूला वही हम पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ने को तो पूरे फिजिक्स में क्या क्या है, मतलब अगर क्लास 11 की फिजिक्स आप 6 मिनट में पूरे फॉर्मूले थोड़ी कर सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे आपका काम बन जाना है वो कर सकते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन के फॉर्मूले ये हैं, इनसे तो क्वेश्चन की उम्मीद आप एक क्वेश्चन की कर सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता इससे न्यूमेरिकल आएगा। चलो अच्छे से करो। और जो आपके दोस्त हैं जो नीट हैं, जिनको उनके साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पोर्शन के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मणिपाल की कर रहे हो, मेंस की कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की कर रहे हो, उन सभी में ये फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं, और इनके बाहर शायद ही आपको कुछ मिलेगा। तो चलो तब तक के लिए जम के मेहनत करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखो।